नमस्कार, राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि देश आजादी की सालगिरह मना रहा है, तो ऐसे में राजधर्म का टॉपिक क्या होगा। बेहद जरूरी है आजादी के मायने जानने वाली एक राजधर्मी डिबेट करना और आपसे ये पूछना कि क्या आपको भी ठीक वैसा ही लगता है जैसा हमें लगता है, यानी 72 के हम होने जा रहे हैं, 73वां स्वतंत्रता दिवस देश मनाना शुरू कर चुका है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि सबसे बड़ी आजादी 73 साल में पहली बार हिंदुस्तान को मिल गई है। किन मायनों में आगे हम देखेंगे। आजाद हिंदुस्तान 72 साल का हो गया और ऐसे में क्यों लग रहा है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। कई बातों को लेकर चर्चा चल रही है और चौतरफा चर्चा इसलिए भी क्योंकि कई कुरीतियों को दूर किया है इस वक्त मोदी सरकार 2 में। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए एक एक करके। आजाद हिंदुस्तान में बड़ी आजादी मिली है और बड़ी आजादी जो ये बताती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, ये हम लगातार कहते चले आ रहे हैं। लेकिन धारा 370 एक ऐसा हर्डल था, एक ऐसा कांटा था जिसे निकाल करके आजादी के 72 साल के बाद फेंक दिया है। और हां, पूरा क्रेडिट जाता है मोदी सरकार पर। मोदी सरकार को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि 56 इंच का सीना दिखाते हुए हिंदुस्तान को ट्रिपल तलाक से भी आजादी दिलाई, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, परिवारवाद से आजादी दिलाई। जब देश ने यह देखा, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने यह देखा कि चुनाव में किस तरह से परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, या इस तरह की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो चारों खाने चित हो गईं। ये भी हमने देखा, जाति का जंजाल भी टूटा, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, जहां पर यह कहा जाता था कि जाति है कि जाति नहीं, जाति वहां से गई भी। और वहां पर लोकतंत्र की प्रयोगशाला में पता यह भी चला कि 56 इंच की छाती वाली सरकार का होना क्या होता है और मजबूत प्रधानमंत्री देश को आज हिंदुस्तान चाहिए ही चाहिए, यह हिंदुस्तान ने कह दिया। इसके अलावा देश अब निकल चुका है भ्रष्टाचार से आजादी लेने के लिए। क्या यह माना जाए कि 72 साल में पहली बार असल आजादी हिंदुस्तान मना रहा है। हमारी आजादी 72 साल की हो चली है, देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 72 साल में हमने असल आजादी पाई या 72 साल के बाद में वाकई में वो वाली आजादी मिली है जो मजबूत है। कश्मीर में धारा 370 से आजादी कितनी मजबूती देश को दे गई, या फिर ट्रिपल तलाक से आजाद हिंदुस्तान की आजादी 72 साल के बाद, आजादी के 72 साल के बाद इसके मायने क्या हैं। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 2019 तक हिंदुस्तान को कौन कौन सी बड़ी आजादी मिली है और कौन सी आजादी मिलनी बाकी है, यही आज का सवाल है, यही राजधर्म की डिबेट का असल इशू है। ऐसे में हमें जानकारों को भी सुनना चाहिए और हम सुनेंगे भी जानकारों का क्या कुछ मानना है 72 साल के स्वतंत्र हिंदुस्तान को लेकर। कौन सी बुराइयां हैं जो खत्म हो चुकी हैं, कौन सी हैं जिन्हें दूर करना भी बाकी है, सुनिए। लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे, वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं। वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रगतिशील कानूनों और प्रावधानों का उपयोग कर सकेंगे। 3 तलाक जैसे अभिशाप के समाप्त हो जाने से वहाँ की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तथा उन्हें भयमुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा। चाहे तो जो थी बहुत सारी थी, लेकिन बहुत सारी बड़ी समस्याओं का समाधान हो चुका है और जो समस्याएं अब रह गई हैं उनके चलते ये है कि जैसे कि अमित शाह जी ने कहा भी कि अक्साई चिन का मुद्दा है और जो पीओके का है, इन 2 समस्याओं से भी देश को आजादी चाहिए है और ये देश की जनता की डिमांड है। जाहिर सी बात है, अब 370 एक जो दाग था देश पे वो हट गया है और जाहिर सी बात है वहां पे कुछ असंतोष होगा, कुछ समस्याएं होंगी और धीमे धीमे वो चीजें भी दूर होंगी, वो कमियां भी दूर होंगी और जो कश्मीर से जो विभेद था मुझे लगता है वो खत्म हो जाएगा। वो एक जो तथाकथित आजादी गैंग था ना, जो लिख के रहेंगे आजादी बोला करता था, उनके भी चेहरे पर करारा तमाचा पड़ा है जिस तरह की 72 साल के बाद में हिंदुस्तान को आजादी मिली है। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। बीजेपी से दिनेश दुबे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आपदा हरण सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट ए के मिश्रा, संघ विचारक मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर विक्रम सिंह,
वीएचपी से मेरे अजीज दोस्त उमानंदन कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीएसपी से धर्मवीर चौधरी जी आपसे थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे, और टीएमसी से नीरज राय और लॉयर प्रिंस लेनिन भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। दिनेश दुबे जी, ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान ये कह रहा है कि 72 साल के बाद सबसे मजबूत, सबसे अटल, सबसे प्रबल आजादी मिली है? राशि जी, मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा देश कर रहा, देशवासी कर रहे हैं, और देश के नौजवानों की ये बलिदान जो है, देश के नौजवानों को जो बलिदान है वो आज याद करने की जरूरत है। 15 अगस्त के दिन हम उनको याद कर रहे हैं, और हमको पहली बार अखंड भारत की आजादी मिली है। हमारा भारत अखंड है, अजर है, अमर है, और बलिदानियों को हम नतमस्तक करके याद कर रहे हैं। कल 15 अगस्त है, और इस 15 अगस्त पे हम बताना चाहते हैं आपको कि बहुत लोगों के बलिदान का आज यह परिणाम है, और नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, दोनों लोगों का जो मिलकर के यह निर्णय हुआ है, यह सराहनीय निर्णय है, और कश्मीर की आजादी भारत देश की आजादी है, अखंड भारत का निर्माण है, नए भारत का निर्माण है। उमानंदन कौशिक जी, धारा 370 से भी आजादी मिल गई, 3 तलाक से भी आजादी मिल गई, परिवारवाद से भी आजादी मिल गई, जातिवाद से भी आजादी मिली, भ्रष्टाचार से आजादी पूरी तरह तो नहीं मिली, लेकिन हाँ उस तरफ प्रबल कदम बढ़ गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, असली आजादी अभी कब मिलेगी? रावी की शपथ तो पूरी हुई नहीं? राशिद जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम कल से एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा, जब भी आजादी तो बहुत लोगों से मिलनी है, टुकड़े टुकड़े गैंग से आजादी मिलनी है, और अभी तो संघ की एक शपथ है, रावी की शपथ, वो अभी अधूरी है। जब तक रावी के दोनों तरफ भगवा ध्वज और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय हमारा तिरंगा ध्वज नहीं होगा, तब तक हमारी शपथ अधूरी मानी जाएगी, और उसके लिए पूरा संघ परिवार और उसके अनुसांगी, उसके विचार परिवार के लोग कार्यरत हैं, और वे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि रावी के दोनों तरफ भारत के संविधान की सरकार बने और पूरे भारत अखंड हो। जैसे जैसे मोदी जी का ये नेतृत्व तो आगे बढ़ रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी, इनसे भी आज़ादी मिलेगी, जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं, जो जिनका काम है राष्ट्र में अराजकता फैलाना, उनसे भी आज़ादी मिलेगी, मिल चुकी है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी आज का भी निर्णय आपने देखा है, सड़कों पर भी आज़ादी मिलेगी, नमाज बैठ के नमाज करते थे वहाँ पे, आप एक बीमार आदमी जा रहा है उसमें, आप हार्ट पेशेंट है या कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित कोई महिला जा रही है, लेकिन वो रास्ता रुका हुआ है और वो वहाँ पे पीड़ित तड़प रहा है, और ये भी सामने आया है कि लोग मरे भी हैं, उससे भी आज़ादी मिल चुकी है। आज बहुत कुछ मिलना बाकी है, अभी देखते जाए, अभी तो शुरुआत है। डॉक्टर विक्रम सिंह, उमानंदन कौशिक जी ये कह रहे थे कि अभी अखंड भारत बनेगा तभी प्रबल भारत होगा, उनका ये भी कहना है कि रावी की शपथ अभी अधूरी है, अटल जी का भी सपने ने यही कहा था, अटल जी ने खुद अपनी जबान से यह कहा था कि रावी की शपथ अभी अधूरी है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब 72 साल का हिंदुस्तान हो गया, 72 साल का आजाद हिंदुस्तान हो गया है, तो रावी की शपथ संघ को क्या लगता है कब तक पूरी होगी? 370 से आजादी तो हो ही गई, राशिद जी, अब रावी के एक छोर से दूसरे छोर तक भगवा और तिरंगा लहरा ही जाए। राशिद जी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा समय है, बहुत महान समय है, एक लंबे इंतजार के बाद, जिस चीज को हम लोग शुरू से कहते जा रहे थे, आज 370 और 35 से अगर खत्म हुआ है तो उसी दिशा का एक कदम है। संघ परिवार के स्वयंसेवक जब सत्ता में आए, देश ने संघ परिवार के विचार परिवार को मान्यता दी राजनीति के रूप में, उन लोगों को सत्ता दी और उन्होंने उन कामों को करके दिखाया जिसके लिए वो आए थे, आज आए हैं। अभी आपने गृहमंत्री जी का बयान भी सुना होगा, संसद में उन्होंने कहा कि अभी पीओके और अक्साई चिन्ह बाकी है, अर्थात हम धीरे धीरे अपने जो भी हमारे विचार हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं, पूरी दृढ़ता के साथ बढ़ रहे हैं, और देश के अंदर सबसे पहली बार अब एक संविधान, एक ध्वज, यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी पूरे देश में अब पालन होंगे, संसद के नियम भी पूरे देश में पालन होंगे। इस सब में 72 वर्ष लगे हैं, तो अभी समय तो लगने वाला है, लोगों के अंदर जो देश के प्रति जानकारी होनी चाहिए उसको विचार परिवार आगे फैला रहा है, हम लोग बता रहे हैं, पुराने इतिहास को जानना जरूरी है,
देश में क्या क्या हुआ, बहुत सारे बीच में जिस तरीके के आपने भी अभी जिक्र किया, टुकड़े टुकड़े गैंग, ऐसे ही बहुत सारे फर्जी इतिहासकार आए जिन्होंने फर्जी इतिहास इस देश में प्रस्तुत किया, जाने किस किस को महिमा मंडित कर दिया। इस देश में आतंकवादियों को, आतताइयों को महिमा मंडित किया गया है। आज उसी का परिणाम है कि श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी का नाम जब आता है, जब बाबर का नाम आता है, कोई तो थे जिन्होंने उसको महिमा मंडित किया था। इस देश में आक्रांता तक को जब महिमा मंडित किया गया, इस देश में आक्रांताओं के नाम पर सड़कें और बहुत सारी चीजें लाकर उन्हें महिमा मंडित किया गया, और जो इस देश के महापुरुष थे, इस देश की अपने राष्ट्रीय चिन्ह थे, राष्ट्रीय स्मारक थे, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, ऐसी बहुत सारी चीजों से अभी आजादी की जरूरत है। और सबसे बड़ी आजादी तो अभी हम लोगों को जो चाहिए, वो चाहिए जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, छिपे हैं, देश के अंदर छिपे हुए गद्दार, जब जिस समय देश पूरा एक साथ होके किसी विषय पर बात करता है तो यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसद में ऐसी बात कह देते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान यूएन तक मैं कोट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा अजय रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के हैं, उनके बयान को लेके पाकिस्तान ने यूएन तक में कहा कि कांग्रेस ये बात कह रही है, उस देश के पॉलिटिकल पार्टी ये बात कह रही है। तो अभी देश के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होना बाकी है, मगर ये तय मानिए कि कदम बढ़ चुके हैं, रावी के दोनों तरफ इस देश का तिरंगा झंडा जरूर फहराएगा। कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते। अभी अभी आजादी बहुत सी चीजों से मिलना बाकी है, जैसे राशिद ने जिक्र भी किया, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से आजादी मिली नहीं है, आतंकवाद से भी आजादी मिलनी चाहिए, जिस पर आगे कदम बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। एके बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त देश किया जाएगा, कहां कहां मुक्ति कांग्रेस से मिल गई है, कहां कहां कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया है, हम सबको पता है। तो क्या अगले स्वतंत्रता दिवस तक ऐसी कोई उम्मीद है क्या कि पूरी तरीके से कांग्रेस देश जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? मैम देखिए, सवाल यहाँ पे कांग्रेस मुक्त का नहीं है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई आप किसी को किसी से मुक्त क्यों करना चाहते हैं? बिना कांग्रेस के या बिना पक्ष के या विपक्ष के, विपक्ष के जो है आपका पक्ष का क्या महत्व रहेगा? आप उनके विचारों को बदलिए। आप अगर पुराने टाइम में जाइए, आप किसी भी ऋषि महर्षि या देश के जो भी लोग रहे हैं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ले लीजिए, तो वो भी हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे। आजादी का मतलब, अब देखिए मैं आपको बताऊं, आपने सही बोला, मैं मानता हूं कि वैचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से दुनिया की नजर में हमको बहुत सारी आजादी मिल गई जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, इन सब चीजों को संवैधानिक रूप से दुनिया ने माना। लेकिन रियल मामले में जब ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन आजादी का देखा जाए, पैरामीटर क्या हो, केवल कानून बना देना, बिल पास कर देना अगर आजादी माना जाए, तो हाँ हम मानते हैं 100% मिल गया, दो चार और जो बाकी है उसके लिए भी बिल बना दीजिए। सारी सरकारों ने आजादी का जो रियल सेंस होता है उसको महसूस करने, करवाने और डिलीवर करने की कोशिशें की हैं। कोई सक्सेस हुआ, कोई नहीं हुआ, कुछ ने गलत भी किया है, हो सकता है अपने स्वार्थ नहीं, के लिए। एक आपने कहा कि दो चार बिल पास करा देना, आप कहना क्या चाहते हैं? दो चार बिल पास करा देने से आपका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं, धारा 370 खत्म कर देना, इतना मजबूत फैसला लेना, क्या ये दो चार बिल पास करा लेने भर की ही बात है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, या फिर तीन तलाक से आजादी दिला देना, ऐसी कुरीति से आजादी दिला देना, क्या दो तीन बिल से पास कर देने भर की बात है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक पूरा प्रोसीजर होता है, आपने एक स्टेप पूरा किया, उसके लिए बधाई, कोई नहीं कर पाया था, आपने किया, ये चाहे टाइम का फैक्टर हो, चाहे विल पावर का हो, किसी भी सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उनके लिए बधाई। रियल मीनिंग क्या होता है, धारा 370 की आप बात कर रहे हैं, धारा 370 कोई भी बीजेपी, वीएचपी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर मुझे बोल दे कि धारा 370 का जो टास्क है वो पूरा हो गया, क्या आपको लगता है कि हाँ हमने बिल बना के कर दिया तो पूरा हो गया? 72 साल का कलंक है, 72 साल का कलंक है, असली कलंक राशि देखिए, 72 साल का कलंक है कि कुछ दिन दीजिए ना, तब दूर होगा जब 5 लाख विस्थापित कश्मीरी वहाँ जाएंगे। चलिए उसकी कोशिश होगी ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, हमें पूरी आजादी नहीं मिली है, सुनिए, एक दिन में सारी चीजें नहीं वो हुआ किसी ने, सर मैंने कब बोला आज ही करो आप, मैंने बोला कभी सकती है, मैंने सकती अभी तक किसी ने नहीं की, अरे जिस दिन वो होएगा, अरे ये हुआ ना, पहले बधाई दी है, चाहे आप अभी कोई भी हो, अभी तो वहाँ पे ना शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के पास में है, मतलब ये है
कि ग्राउंड लेवल पे आप चाह रहे हैं पहले दिन से ही बसें लगवा दी जाए। जी जी जी, पहले दिन से ही बसें लगवा दी जाए कि चलो ठीक है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता एक मिनट, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, हाँ रुके, हाँ ठीक है। असली आजादी का एक चैप्टर चलिए ठीक है अभी बहुत। देखिए इतिश्री आप कम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर घाटी में गंगा जमनी तहजीब जब ग्राउंड जीरो पे अवेलेबल हो जाएगी। एक मिनट रुक जाइए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आपदा हरण सिंह भी हमारे साथ में है। आपदा हरण सिंह जी, 72 साल में ऐसा कहा जा रहा है कि देश की कितनी आपदा मोदी सरकार ने हर ली, न जाने कितनी कुरीतियों से छुटकारा दिला दिया, कन्वेंशनल सोच से छुटकारा दिला दिया, राजनीतिक जड़ता से छुटकारा दिला दिया। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, क्या शिवपाल यादव, क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वक्ता प्रवक्ता आपदा हरण सिंह, उन्हें भी ये लगता है कि 72 साल के बाद देश सबसे बड़ी आजादी, सबसे मजबूत, सबसे प्रबल, सबसे अटल आजादी मना रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज गंभीर विषय पर हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए, तो मैं पैनल के बाकी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना पक्ष रख चुके हैं तो बाकी लोगों को सुने भी। आज हम आजादी की पूर्व संध्या पर बैठे हैं तो 72 सालों में क्या क्या खराब हुआ वो कौशिक साहब ने, डॉक्टर विक्रम सिंह ने और दुबे जी ने बताया है। अच्छी डिबेट इस रुख में तब बन सकती है जब ईमानदारी से हम 72 सालों की एनालिसिस करें। शुरुआत करते हैं धारा 370 से। धारा 370 अगर समूल रूप से समाप्त हो गई है, जैसा कि बीजेपी और उनके अनुसांगिक संगठन कह रहे हैं, तो यह सच नहीं है। शायद आप ए के मिश्रा जी से भी सहमत हों। ये स्टेप बड़ा है, अच्छा स्टेप है और पूरे देश ने इसका स्वागत किया है, लेकिन इसका मूल स्वरूप यह है कि चाइनीज खिलौने को सैटेलाइट बना के बेचा जा रहा है। मिश्रा जी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, ए के मिश्रा जी से, कि ये पहल अच्छी है, इसको जमीन पे प्रॉपर तरीके से उतारा जाए। आदरण सिंह जी, और वो कश्मीर के लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट जिन्होंने मैं राशिद हाशमी, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है यह जान करके कि कश्मीर वाकई में भारत का अभिन्न हिस्सा था तो, लेकिन अब वाकई ऐसा लगने लगा है कि कश्मीर में विकास का काम हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान का जो मस्तक है ना, जो हिंदुस्तान का ललाट है, और भी ज्यादा चमकने लगा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग निराशावादी सोच के हैं अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये जो चाइनीज खिलौना और वगैरह वगैरह, माफ कीजिएगा आपका उदाहरण हल्का है। जवाब देना चाहेंगे डॉक्टर सिंह जी? बोले बोले, आप बोले। राशिद भाई, पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय ध्वज का कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर जो अपमान नहीं कर सकता। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय ध्वज को मान्यता नहीं देते थे, उसका अपमान करते थे। 14 अगस्त को पाकिस्तानी ध्वज फहराए जाते थे इसी देश के अंदर, जिस देश का एक हिस्सा है उसी देश में। देश के ध्वज का अगर अपमान हो रहा है, देश के संविधान का अगर अपमान हो रहा है, और उसको रोकने में भी 72 वर्ष लग गए। और मैं पीछे की भी बात करूंगा, मोदी सरकार से ज्यादा बहुमत की सरकार थी राजीव गांधी जी की, मगर राजीव गांधी जी ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया J&K पर किसी भी महत्वपूर्ण और ताकतवर फैसले को लेने का। हाँ, उनके प्रयास थे शाहबानो केस जैसों पर। आप इच्छा शक्ति से आगे चलते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए राजनीतिक, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए तब आप आगे चलते हैं। आप वर्ग विशेष को साधने की और अपने अपने फायदे की अगर राजनीति कर रहे हैं, अभी आप देखें बार बार आया संसद में भी आया कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संस्था है और आप बातें सारी राजनीति के जी चुनाव आरएसएस के कार्यकर्ता वोट डालते हैं। क्या आप हमारा वोटिंग राइट चीज है? अरे नहीं, गैर राजनीतिक क्या होता है? क्या भारतीय राजनीति में कार्यकर्ता को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? चीख चिल्ला के आजादी नहीं मिलेगी, चीख चिल्ला करके कोई डिबेट नहीं होती। डोंट मेक इट अ फिश मार्केट, चीख चिल्ला कर। एके मिश्रा जी रुक जाइए, मनंदन कौशिक रुक जाइए,
डॉक्टर विक्रम सिंह आदि रुके ओके ठीक है प्रधानमंत्री है ओके ठीक है ओके डॉक्टर सिंह हमारे दो दो ओके ठीक है होल्ड हो गया ठीक है ओके ठीक है हो गया हो गया हो गया ओके ठीक है ओके ठीक है हो गया आजादी के वक्त में आजादी के वक्त में आजादी के वक्त में मेरी बात को सुने आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोले ओके ठीक है हो गया एक हो गया एक हो गया उन्होंने हो गया एक हो गया एक हो गया एक मिनट रुक जाइए टीएमसी से नीरज राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज राय जी आजादी की सालगिरह मुबारक जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जय जी आपको भी आजादी की हार्दिक मुबारकबाद जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता की जय आहा काश काश देखिए देखिए उमानंदन कौशिक की बांछें खिल गईं वीएचपी का ये वीएचपी के नेता को ये लगता है कि काश की ममता बनर्जी भी आप ही की तरह बोलती हैं जय महाकाली हाँ देखिए क्या बोलना है जय महाकाली भी बोलना है नीरज भाई अरे तो जय महाकाली बोलने में क्या है खप्पर वाली माँ दुर्गा बोलिए आप लोग तो बोलवा दिए अरे नीरज जी लेकिन नीरज जी लेकिन उमानंदन कौशिक जी को ये लगता है कि रावी की शपथ अधूरी है अरे का वध करने वाली है रक्त बीजों का वध हो ही रहा है वहाँ पे दिख रहा है वो तो रक्त बीजों का वध हो रहा है कहाँ पश्चिम बंगाल में अरे आहा नीरज जी स्वतंत्रता दिवस पर रक्त बीज जी रक्त चरित्र क्या क्या बोलना है ये क्या बोलना है टीएमसी को लेकर के दीजिए ये बातों के वीर हैं भाई साहब बोलने दीजिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें शब्दों और बातों के वीर नहीं बातों के वीर तो आप लोग भी रहे हैं ना मामाटी मानुष आप बोलते थे हाथे बम मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम मामाटी मानुष हम बोलते ये बोलते थे ना हाथे बम मुखेर प्रेम यही था ना हाथे बम मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम ऐसे ऐसे नारे देते थे आप लोग मामाटी मानुष बोलते थे आप लोग क्या नीरज भाई ये हाँ क्या नीरज भाई हमने ये बातों के वीर रहे हैं वो छोड़िए हाँ क्या राशिद भाई आप भी अरे देखिए सबकी बांछें खिली हुई हैं सब कह रहे हैं कि सबसे मजबूत आजादी इस बार बना रहे हैं हम तब जब एकदम हिंदुस्तान के ललाट पर भगवा और तिरंगा वाकई में लहराता हुआ दिख रहा है धारा 370 से आजादी मिल गई राशिद भाई हाँ शारदा चिटफंड वालों से करप्शन से आजादी मिल गई ऐसा ही बोल रहे थे ना देखिए हंस रहा है मेरी बात पे अभी बोल रहे थे ये कि शारदा चिटफंड वालों से आजादी मिल गई कहते हैं भ्रष्टाचार से आजादी मिल गई मैंने कहा नीरज जी को आने तो दीजिए अरे सुनेंगे सुने दें वो गलत नहीं बोले हैं शारदा चिटफंड का मुख्य आरोपी इनके साथ में पड़े हुए हैं मुकुल राय जी इनके ही साथ में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आजादी मिल गई है टीएमसी को उनसे हाँ। रही बात देश की सबसे बड़ी आजादी का तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उससे बड़ा आजादी का पर्व कोई नहीं हो सकता है हाँ। कितने बलिदान हो गए हमारे देश के सपूत उस आजादी में मुझे तो बड़ा अच्छा हमारे नीरज भाई क्या है ना मेरे लिए तो आजादी वो होगी कि घाटी में जा करके मैं आजादी के साथ में तिरंगा लहरा सकूं मेरे लिए आजादी वो होगी कि लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकूं बालटाल में जाकर के तिरंगा लहरा सकूं कुलगाम में जाकर के लहरा सकूं सुनिए ना बटमालू में जाकर के लहरा सकूं तब तो मेरे लिए आजादी है प्रिंस लेनिन भी हमारे साथ में है प्रिंस लेनिन भी देश के जाने माने लॉयर है हमारे साथ में नीरज भाई दोबारा आता हूं आपके पास प्रिंस लेनिन जी नहीं दोबारा जब पूरा पूछे अच्छा ठीक है अपनी बात पूरी कर लें बात पूरी करने की एकदम आजादी है हिंदुस्तान में बात पूरी करने की आजादी है नीरज भाई नागालैंड में क्या हुआ है नागालैंड में क्या हुआ थोड़ा हमको बहुत जानकारी नहीं उस पर भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वहां पे दो झंडा की बात चल रही है आप वेस्ट बंगाल में बता दीजिए क्या हो रहा है नागालैंड का बताइए ना नागालैंड में भारतीय ध्वज का अपमान करने की आजादी है वेस्ट बंगाल में तो अगर भारतीय ध्वज का अपमान नागालैंड में होगा तो भारतीय संविधान से सजा है या नहीं बंगाल ने एहसास करा दिया है सजा है या नहीं नागालैंड की बात कीजिए ना बंगाल की चर्चा की आपकी राजनीति नहीं चल सकती नीरज जी हम तो वेस्ट बंगाल का इतना सम्मान करते हैं हमारी तो पार्टी वेस्ट बंगाल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेतृत्व तो इस पार्टी का ने किया है और उसने उसी की योजना के अनुसार 370 खत्म हुई उन्होंने तो संविधान का वहां पर किया कि दो संविधान दो निशान दो विधान नहीं चल सकते और दो प्रधान नहीं चल सकते हम तो आपसे अलग नहीं है लेकिन आप जैसे विचार वालों का हम मुखरता से विरोध करेंगे अपना सवाल तो पूछ ही नहीं पाए हम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
प्रिंस लेनिन से बात कर लेते हैं नीरज भाई, अब प्रिंस लेनिन जी से बात कर लेने दीजिए, एक लॉयर को भी सुन लेते हैं नीरज भाई, नीरज जी एक लॉयर को भी सुन लेते हैं नीरज भाई, हो गया हाँ। प्रिंस जी आपके पड़ोस में बैठे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए प्रिंस जी। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग, अधिकतर लोग जो भी बैठे हुए हैं ना, या तो किसी न किसी दल से संबंध रखते हैं, या संगठन से संबंध रखते हैं, या आनुषांगिक संगठन से जुड़े हुए, संघ के आनुषांगिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन लॉयर को मैंने जानबूझ करके यहाँ बिठाया हुआ है, चूंकि पिछले एक साल में, या यूं कहें कि पिछले 5.5 साल में, कभी मॉब लिंचिंग को लेकर के या अलग अलग वजहों से कानून जो है देश का हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा, और ये कहा जाता रहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानून से भी हिंदुस्तान को आजादी मिलनी चाहिए। वो आजादी कब मिलेगी प्रिंस लेनिन? देखिए, वो इस देश के जो राजनेता हैं, जो आज देश की सत्ता की बागडोर संभाल के चल रहे हैं, ये उनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि इस देश को कितनी स्वतंत्रता सही माने में दिलवा पाते हैं। जिस तरह से जो 370 पे जो डिबेट हो रही है, मैं एक आम आजादी की डिबेट पर दिनेश जी को नींद भी आ रही है, दल से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन दिनेश जी को नींद भी आ रही है थोड़ी सी, कहें सो रहे हैं जी। तो आम नागरिक मेरे लिए, कल तक जब हम कश्मीर में दूसरे देश के झंडे, आईएसआईएस के झंडे देखते थे, तो इस देश का एक नागरिक होने के नाते बहुत दुख होता था और अत्यंत क्रोध भी आता था कि किस तरह से इस देश में नफरत को फैलाने का कार्य किया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। ये सारी चीजें किसी के से छुपी नहीं है, लोगों के राजनीतिक हित क्या कहते हैं उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन एक देश के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 370 का आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया है, वो एक स्वागत योग्य फैसला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो एक तिरंगा और एक संविधान का जो स्थापना हुई है, वो काबिले तारीफ है, और उसका ये देश तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश में इस फैसले का स्वागत हो भी रहा है, भी करता है, लेकिन ठीक है, लेकिन दिनेश दुबे जी, जिन जिन बुराइयों को कर रहा हूँ मैम, ठीक है रचना जी, ठीक है बोलिए। बिल्कुल, मैं बुराइयों पे भी आ रहा हूँ। कुछ जो बुराइयां हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो बात उठती है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं कि राजनीतिक दलों में बैठे हुए व्यक्ति, खासतौर पे जो सत्ता पक्ष के होते हैं, वो इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल या दुरुपयोग करते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके पास आने के बाद दिनेश दुबे जी बार बार यौन कर रहे हैं, ठीक है छोड़ दीजिए, ठीक है दिनेश दुबे जी से मैं सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है, यूपी की भाषा में यौनी को जमाई बोलते हैं, उनकी नींद दूर करना जरूरी लग रहा है। दिनेश जी मुझे ये बताइए, जिन जिन कुरीतियों को, जिन बुराइयों को, जिन चीजों को दूर करना था कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोज रोज तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ फिर किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी है सरकार की? और साथ ही साथ इस लिस्ट में अभी और कितने नाम बाकी हैं, कितनी बुराइयां बाकी हैं जिन्हें दूर करना है? ऋचा जी, रचना मेरा नाम है, आप बहुत नींद में कहना चाहता हूं कि देखिए, तीन तलाक की बुराई की जड़ जो है वह समाप्त होने वाली है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, और जो आतंकवाद कश्मीर में प्रभावी था वो भी समाप्त होने के कगार पे है, उसका भी अंत होने वाला है। केवल हम कहेंगे, बात मैं कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो हत्यारों का घर बन चुका है, हत्यारों का प्रदेश बन चुका है, जहाँ पे निर्दोष कार्यकर्ता धूल के साफ कर देंगे, ऐसा नाम लेंगे, पश्चिम रोजगार नहीं देंगे, अरे महाराज भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे नहीं, लेना है और जितने भ्रष्टाचारी हैं। दिनेश, मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी वो बोला करते हैं ऐसा लगता है कि नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सामने बहुत बड़ी रैली है और उसकी नेट प्रैक्टिस पहले से कर ली जाए, हालांकि ईश्वर करे कि बहुत बड़े नेता आगे चल करके बने, विधानसभा लोकसभा कम से कम लड़े, जनता के बीच में जाए। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। उमानंदन कौशिक जी, हाँ ठीक है, हो गया, हाँ थोड़ा रुक जाइए।
आनंद लें, आनंद लें, थोड़ा सा रुक जाएं, हाँ रुक जाएं, रुक जाएं, पॉज पॉज, रुक जाइए, हो गया दिनेश दुबे जी, हो गया, रुक जाइए उमानंदन जी। हम यहाँ से, यहाँ धारा 370 से आजादी की भी बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक से आजादी की बात भी कर रहे हैं, परिवारवाद से आजादी की भी बात कर रहे हैं, जातिवाद से आजादी की भी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से आजादी की भी बात कर रहे हैं, पाखंड पॉलिटिक्स से आजादी की भी बात कर रहे हैं, धर्म जाति के बंधन से आजादी की भी हम बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म की भी मैंने बात कर ली। एक बात ही बता दीजिए कि तिरपाल से, टेंट से रामलला की आजादी कब होगी? देखिए आपको तो सबसे ज्यादा उसी का इंतजार होगा। राशि जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब डे टू डे की हियरिंग शुरू हो चुकी है, इसीलिए तो पूछा क्या लग रहा है आजादी कब होगी। बिल्कुल, अब आपका जो स्वप्न है, अगर आप भगवान को उस त्रिपाल से बाहर आना देखना चाहते हैं तो वो कुछ ही, मेरा बिल्कुल स्वप्न है, कुछ ही महीनों की बात है, हो सकता 1992 नहीं बल्कि 1989 से मेरा स्वप्न है। हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यादव ने 1989 में गलत किया था गोगोई जी, वो अपने सेवानिवृत्ति से पहले इसका निर्णय देकर जाएंगे, ऐसा जनमानस का मानना है। और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई कर भी रहे हैं, उन्होंने पूरे 5 दिन उन्होंने सुनवाई के लिए रखा है कि 5 दिन, जिसमें राजीव धवन बोलता कि हमारे ऊपर अत्याचार है, अनुवाद नहीं हो सकता, हमें सोने की जगह चाहिए, उनको तो चूंटी काटने से भी, कोई चूंटी काटने की रोक दो, वो इसको लिंगर ऑन करना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि उच्चतम न्यायालय का बिल्कुल इस पे फोकस है और वो चाहते इसका जल्दी से जल्दी निर्णय हो और भगवान श्री राम जल्दी ही, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ही अपना टेंट से बाहर आएंगे और अपने भव्य स्थान पर विराजमान होंगे। तो नीरज जी को तो बुलाएंगे ना, जय श्री राम बोलने के लिए? नीरज जी तो आएंगे, नीरज जी तो ईंट लेके आएंगे, जबरदस्ती ले आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद, प्राण प्रतिष्ठा होगी। नीरज जी, नीरज जी कार में रहेंगे तब तक, नीरज जी तक नीरज जी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो। अच्छा, ममता दीदी भी आएंगी क्या प्राण प्रतिष्ठा में? बहुत लोग आने वाले हैं, आज के बीजेपी में रहेगा वही राष्ट्रवादी और राम भक्त। नहीं नहीं, नीरज जी तब तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने इनका तो ये कहना है कि अच्छा राष्ट्रवादी हो सकते हैं तब तक। अच्छा, नीरज जी ध्वज प्रणाम कर चुके हैं, एक एक ठीक है, ठीक है। नीरज भाई वैसे कहते ही है ना कि हाँ, हालांकि ये कहते हैं, मुझे अपनी माँ से ये संस्कार मिला है कि जब भी किसी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो ना, तो वहां जाना जरूर चाहिए, ऐसी मूर्ति के पास जाना जरूर चाहिए। वैज्ञानिक नजरिए से भी और धार्मिक नजरिए से भी ऐसा कहा जाता है कि इतना ऊर्जा का संचार होता है ना जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है ना कि आपका व्यक्तित्व उससे निखर जाता है, बहुत बार सुधर भी जाता है। हालांकि ममता दीदी भी शायद ऐसा मानती होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। एक मुझे एक बात बताइएगा, जो मोदी सरकार ने कहा किया या जो मोदी जी ने किया, क्या वैसा कुछ जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, गुलजारी लाल नंदा नहीं कर पाए, लाल बहादुर शास्त्री नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाए, मोरारजी देसाई नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह नहीं कर पाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नहीं कर पाए, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह, हालांकि कुछ लिस्ट से नाम शायद छूट गया होगा, क्या वाकई में ऐसा है क्या? देखिए राशिद, अभी जो पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या वाकई में आजादी मिली कि नहीं, अगर वाकई में 100% आजादी मिल गई होती आजादी के 70 साल बाद, तो अब कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम नहीं रहा होता। मैं बोलता हूं एक राष्ट्र जो बनता है आजादी के दीवानों ने, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, उन्होंने उनके हिसाब से आप ये देखिए आजादी का क्या मतलब था, उनकी परिकल्पना क्या थी कि देश जब अंग्रेजों से आजाद होगा तो क्या होगा। क्या उनकी परिकल्पना यह थी कि सड़क पर चलते हुए लड़कियों के साथ रेप हो, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो और सजा मिले या न मिले 20-20 साल जो है कि। भारत एक ऐसा देश है, मैं एक छोटा सा किस्सा बता देता हूं, छोटा सा जो है काक भुसुंडी ने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, उसको तीनों लोक में शरण नहीं मिला, यहां तो 20-20 साल केस चलते रहते हैं आजादी का। अगर यह मतलब है, इसीलिए मैंने बोला था आप लोग बुरा मत मानिए, सच्चे मामले में आजादी के जो दीवाने थे, जो फांसी पे चढ़े हैं, उनकी संकल्पना आप देखिए आजादी का क्या था। मैं ये बोलता हूं सबने योगदान दिया है 70 सालों में, एक एक आदमी ने दिया है, किसी ने कम दिया है, किसी ने ज्यादा दिया है, निगेटिव भी हो सकता है, किसी ने गलतियां भी की है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं एक चीज के लिए कोट करूंगा, अब इन लोगों को बुरा लगेगा, मैं तो किसी पार्टी से हूं नहीं, अरे पहली बार आजादी के बाद भूखमरी से आजादी किसने दी थी, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर किसने बनाया था, आरएसएस ने बनाया था, बैठे हैं आरएसएस के ज्ञानी, आपने बनाया था, आपके एक एक आपने बनाया था, आपने बताइए नहीं आरएसएस ने बनाया था, दूसरों के योगदान को मानना सीखिए, आपके
कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं पार्टी एक, आप ये कहना चाहते हैं योगदान नहीं है, आप केवल नकारात्मक बात करेंगे, जवाब लेने की क्षमता रखिए, योगदान को विनम्रता से मानिए, आप जवाब लेने की क्षमता रखिए। मेरे ख्याल से डिबेट में जहाँ पर चीख चिल्लाहट की आपदा आ जाए ना, अभी आपको जवाब, मेरे ख्याल से डिबेट का जवाब है, ठीक है शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से एक मिनट, रचना एक मिनट, रचना बस एक मिनट, रचना एक मिनट, मेरे ख्याल से डिबेट में जहाँ पर इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, आप सुनिए, आप सुनेंगे कैसे, आपने हिम्मत नहीं सच सुनने की, सुनाइए सुनाइए, आपने कब कहा, हाँ। आपने कौन से संघ के कार्यक्रम में देखा जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा गया हो कि उन्होंने काम नहीं किया, आपने किस संघ के पैनलिस्ट को देखा जिसने ये कहा हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी पर यह आरोप है, आप पहले का एक उदाहरण दीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो पता लगेगा कि आप एक पक्ष बना के बोल रहे हैं, अच्छा आप सुनना नहीं चाहते, मॉब लिंचिंग तो नहीं हो जाएगी, आप कर ही रहे हैं, आप कर रहे हैं मॉब लिंचिंग, आप कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, आप जवाब कर रहे हैं, जवाब है कि आपके पास जवाब ही नहीं है, आज चलिए अगर डिबेट में चीख चिल्लाहट होने लगे ना, जब ठीक है, नहीं ठीक है, रुक जाए आप लोग, आजादी के दिन उन डॉक्टर विक्रम सिंह ए के मिश्रा जी, डॉक्टर विक्रम सिंह ए के मिश्रा जी, ओके हो गया, ठीक है, पानी दीजिए, ठंडा पानी, ठंडा पानी, आप सभी, नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उम्र ऐसी भी है, बहुत ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे तो शायद स्वास्थ्य को हानि पहुंच जाए, नहीं नहीं बीपीआई हो जाएगा सर, सर बीपीआई हो जाएगा, सर पानी पीजिए, सर पानी पीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, सर बीपीआई हो जाएगा, सर बीपीआई हो जाएगा, मेरे ख्याल से डिबेट में जब चीख चिल्लाहट और शोर की आपदा आ जाए ना, सर होय होय, सर मैं छोड़ करके चला जाता हूं, रुक जाइए, डिबेट में जब चीख चिल्लाहट, अरे आनंद भाई बस एक मिनट, मुझे लखनऊ जाना है, डिबेट में जब चीख चिल्लाहट और शोर की आपदा आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपदा हरण सिंह जी के पास में चलना चाहिए, आपदा हरण सिंह जी, आपको लगता नहीं कि तमाम आजादी की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि ये जो होता है ना जातिवाद, यादववाद, कोई और फलावाद, इन सबसे भी आजादी अब मिल ही जानी चाहिए, हालांकि काफी हद तक मिल गई है, लोकसभा चुनाव में हमने देख ही लिया, लेकिन पूरी तरह से ये जो वाद चलता है ना, वाद फला जाति वाद, इससे आजादी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, आप धारण सिंह जी, राशिद भाई आप डिबेट में न्याय नहीं कर रहे हैं, सबको बराबर समय मिलना चाहिए, और जो लोग ये आजादी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये और इनके पूर्वजों का आजादी में क्या योगदान था ये बताएं, सावरकर जी का कितना योगदान था आजादी में ये बताएं, आजाद भारत को क्या आजाद कर रहे हैं, और रही कश्मीर की बात तो ये बैठ के यहाँ अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंदिरा जी ने विलीन नहीं था हिंदुस्तान में, एक झटके में आप नाम से बात कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए और ये पांच लोग बैठ गए रागनी गाने के लिए तो हिंदुस्तान इनका हो अच्छा, आपदा हरण सिंह जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले उमा नंदन कौशिक जी कह रहे थे नीरज राय जी से कि ऐसा ना हो कि तब तक बीजेपी में वो शामिल हो जाए, देखिए बीजेपी का तो सदस्यता अभियान चल ही रहा है देश भर में, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाएं, अभी समाजवादी पार्टी से तो देखिए एक के बाद एक कितने झटके लगे हैं, नीरज शेखर ने तो आज ही राज्यसभा से नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया, संजय सेठ समाजवादी पार्टी छोड़ चुके, रचना जी आप और राशिद भाई बचो, बाकी राजनीतिक दलों में जो हो रहा है वो हम लोग संभाल लेंगे, रही बात
देखिए ये नैतिकता और सुचिता का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों ने लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर दी। रचना गोवा में ये तमाशा कर रहे हैं, ये सत्ता में अजय नहीं है। कश्मीर में अगर फौज को अगर फौज को मजबूत किया गया तो ये लोकतांत्रिक मूल्य की हत्या नहीं होती। कश्मीर से धारा 370 अगर खत्म किया गया तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर को अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या नहीं होती। उमानंदन जी बोल सकते हैं। राशिद भाई मैं आपदा जी को मुखातिब होकर एक बात करना चाहता हूँ। मुझे इतना सुंदर नाम लगा था आपदा हरण सिंह, मैं सोच रहा था कि मेरे परिवार में अगर कोई बच्चा ना होएगा तो मैं उसका नाम आपदा हरण रखूंगा, लेकिन अगर उसका चरित्र ऐसा ही होगा जैसा ही है मैं वो नाम बिल्कुल नहीं रखूंगा, मैं वो नाम बिल्कुल नहीं रखूंगा। शायद मेरी बात उन तक नहीं पहुंची। दूसरी बात नहीं, वो बहस कर रहे ना तो मेरी बात उन तक नहीं पहुंची, उनको सुनना पड़ेगा, बता देना ये मेरी बात सुन लेंगे। ठीक है। दूसरी बात रही उनकी कि उन्होंने कहा कि ये चरित्र जैसे AKG भी कह रहे थे बस एक सेकंड रुक जाइए। आपदा जी नीरज जी और दिनेश जी, अरे दिनेश जी कोई झगड़ा थोड़ा ही चल रहा है, रुकिए ना। अरे महाराज रुकिए ना, हाथ चल रहा है, म्यूट हैं आप। अरे रुक जाइए दिनेश जी, नीरज जी, दिनेश जी और आपदा जी लखनऊ में बैठे हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, आराम से बात कीजिए। उमानंदन जी बोल सकते हैं आप। नहीं ये भी देखो दिनेश जी, आप थोड़ा सा ना सब्र रखिए, कोई बात नहीं, बैठे हैं आपके साथ में देखने वाले 4-6 लोग आपके साथ बैठे हैं। आपकी आवाज जा रही है, बोले आप। AKG से मैं ये पूछना चाहता हूँ, AKG ने कहाँ पर देखा कि विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, BJP कहाँ पर पूजनीय शास्त्री जी का अपमान किया है? हर जगह पर नहीं आपने कभी माला पहनाया? अरे कहाँ नहीं पहने? अरे एक हजार वीडियो देने आप भेजते हैं? अरे उस शिद्दत से उतने शिद्दत आप आदर्श पुरुष की तरह संघ की शाखा में क्यों नहीं उनकी मूर्ति लगाते हो? बात यहाँ संघ की शाखा में किसी की मूर्ति नहीं लगती, आपको कोई जानकारी नहीं है। बहादुर शास्त्री ने ऊंची आवाज से आजादी, 2 मिनट का ब्रेक। ऊंची आवाज से चीख चिल्लाहट से आजादी, 2 मिनट का ब्रेक। मोदी सरकार 2 के सामने बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत सी चुनौतियां थी, एक एक करके उनसे पार पा रही है मोदी सरकार, और बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें अभी जड़ से उखाड़ना बाकी है। इसी को लेकर आज चर्चा हम खास दिन कर रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रिंस लेनिन, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब मजबूत देश और मजबूत सिस्टम की बात होती है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर काम करते हैं, जब ही सिस्टम मजबूत होता है। पिछले दिनों ऐसा देखा नहीं गया लेकिन? हाँ देखिए, पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी रहीं, कुछ सवाल ऐसे उठाए गए, कुछ लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कुछ बिंदु रखे, आरोप लगाए, तो वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं समाहित है। तो उनको किस तरह से इस सरकार को उनका निराकरण करना है, संस्थाओं में जो व्याप्त थोड़ा जो भ्रष्टाचार है उनको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। अच्छा होगा कि जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं चाहे विपक्षी हैं, क्योंकि आज जो सत्ता में है कल तक वो विपक्षी थे, आज जो विपक्षी हैं कल तक वो सत्ता में थे, और लेकिन व्यवस्था वैसी ही बनी रहती है, तो व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात दोनों को मिलकर करनी चाहिए, दोनों को इस दिशा की ओर कदम बढ़ाने चाहिए कि आप देश को सुधार सके, देश में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, वैमनस्यता ना रहे, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, और जो बुराइयां हैं उनका मिलकर के आपको समाधान करना चाहिए, उनसे मिलकर लड़ाइयां लड़नी चाहिए। यह थोड़ा जो प्रोटेक्शन देने की जो बातें आ जाती हैं कि जो अभी इस डिबेट में भी रही हैं कि जो फला पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं वो आपके में आ जाते हैं, वो उनके पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं उनके में आ जाते हैं, कार्रवाइयां ठंडी कर दी जाती हैं। ये चीज पे भी इस देश के लोग आप बता सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि उस पे
उस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि देश की जनता देखे आपके जो फैसलों का अगर सिर माथे पर रख के स्वागत करती है तो ऐसी चीजों का भी संज्ञान लेती है। ठीक है नीरज जी, लेकिन क्या है ना, अभी जब ब्रेक हुआ नीरज जी, जब अभी ब्रेक हुआ तो उमानंदन कौशिक ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी की तानाशाही से आजादी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं ये? बात ऐसा है राशिद भाई कि कौशिक जी नहीं, हाँ अब इनसे संबंधित जितने लोग हैं इनका एक ये है, ये तो कह रहे हैं कि इनसे संबंधित पूरा राष्ट्र है कराएगा तो वो ताना, अरे ये तो कह रहे हैं कि इनसे संबंधित पूरा राष्ट्र है, संबंधित राष्ट्र नहीं है, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। देखिए आप सुनते आप यहाँ पे गलत हैं, आपके ही डिबेट पे ये कौशिक जी हो या भाजपा के कोई भी लोग तुरंत कहते हैं कि हमने वहां पे अपना सत्ता काबिज हुए, हम वहां पे सत्ता में, इनका उद्देश्य है सिर्फ सत्ता में काबिज होना, नहीं नहीं इनका उद्देश्य है सिंधु काबुल अफगानिस्तान बर्मा लंका भूटान जितने भी माँ भारती के अंग कटे हुए हैं सबको मिला देना। अरे ममता नहीं नहीं ये तो कहते हैं कि इन लोगों को आंख में आंख मिलाकर बात कर रही है। अरे उमानंदन कौशिक तो ये कह रहे हैं कि सिंधु काबुल अफगानिस्तान बर्मा लंका भूटान जितने भी माँ भारती के अंग कटे हुए हैं सबको मिला देंगे तभी असली आजादी होगी। क्यों? बिल्कुल ये आपने बिल्कुल अक्षर से सही कहा, यही उद्देश्य है संघ परिवार का। बहुत बढ़िया, पहले ये राम जी के मंदिर को बना दे, पहले ये राम के मंदिर को बना दे, उसके बाद मुझे दे दे कंधार तक हिंदुस्तान हमारा। पूर्वज का पता पूछ रहे हैं, पहले हमारे राम जी के मंदिर को बना दे 32 साल तक तो आपदा हरण जी, 32 साल तक राम जी को बेच बेच कर। आपदा हरण जी आज आप डॉक्टर सिंह के रडार पे हैं, आप बताइए किसके? आपदा हरण जी, आपदा हरण जी बताइए क्या प्रश्न था, दोबारा कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मां भारती के जो कटे हुए अंग जोड़ रहे हैं ये उस दिन कहा थे जब मां भारती को आजादी की वास्तव में जरूरत थी, तब अंग्रेजों के पक्ष में घूम रहे थे। आज आजाद भारत के लोग दुनिया भर के अंग जोड़ रहे हैं मां भारती के। सुनिए मैं तो स्वतंत्रता संग्राम से महाभारत का पोता हूँ, आप अपनी बताइए आपके परिवार में कौन कौन थे? बड़ी जल्दी प्रश्न उठा दिया, सबकी जन्म कुंडली लिए बैठे थे क्या? अरे उन्हें सपा से आजादी मिली हुई है, बात कर रहे हैं जन्म कुंडली लिए बैठे थे डॉक्टर सिंह, उन्हें उन्हें सपा से आजादी मिली हुई है भाई, सपा से आजादी है उनकी असली आजादी। शर्मनाक स्टेटमेंट है आपका, देखो आपको क्या पता है किसके परिवार के बारे में? यहाँ आएंगे तब हम देखेंगे क्या, आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपकी ये जो भाषा है ना, देखेंगे और दिखाएंगे, ये पूरी हो चुकी है। बांट रहे आजादी का, चले डॉक्टर साहब रखिए अपने परिवार का इतिहास बताइए, क्या इतिहास है आपका स्वतंत्रता संग्राम में? जब इनको सत्ता में स्वाद आना बंद हो गया तो ये अपने परिवार को छोड़कर ही इन्हें छोड़ दिया, आप इनके पूछो ना, आप कमरे सत्ता में वहाँ पे लाभ मिलना बंद हो गया। चलिए चुकी चुकी बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट पर मैं हूँ, आप सभी रुक जाएं, मैं चाह रहा हूँ कि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले। एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट रुक जाएं, आपदा जी रुक जाएं, आपदा जी होल्ड, शांत शांत शांत, आपदा जी, आपदा जी शांत, आपदा जी शांत। अब मैं ये चाहूंगा जितने भी 7 गेस्ट हैं, बिल्कुल मैं कंक्लूडिंग पार्ट पर हूं और आप सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, एक एक करके आप लोग बोल सकते हैं। एके मिश्रा आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा, 72 साल में किन किन चीजों से आपकी नजरों में आजादी मिली है और किन से आजादी मिलनी बाकी है? देखिए 72 साल में एक तो सबसे पहले जो आजादी मिली है भाई, विदेशों का जो यहाँ पे शासन था हमें उससे आजादी मिल गई है। जितनी कुरूतियां थी हमने उसमें काफी कोशिशें की है, काफी चीजों में हमें आजादी मिली है। संवैधानिक तौर पे भी अधिकार मिलना या कानून बनना एक आजादी है, उस पर वो मुहर लगाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं कि उस आजादी को हर सरकार बोलती है कि हमारी कोशिश है लाइन में खड़े हुए अंतिम आदमी को बेनिफिट पहुंचे, तो आजादी भी महसूस उनको होना चाहिए जिनके पास कहीं कुछ नहीं है। उमानंदन कौशिक जी, उमानंदन कौशिक जी, बाकी सभी आजादी की बात हो रही है, क्या देश को मॉब लिंचिंग से भी आजादी मिलनी चाहिए या नहीं? देखो मॉब लिंचिंग का अभी संविधान में एक संशोधन हो रहा है, उस पर बढ़िया कानून बन रहा है, और जो मॉब लिंचिंग है मैं उसका दुर्विरोधी हूँ।
संविधान सम्मत सबको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी का हत्या हो रही हो, चाहे वो गोमाता की हत्या हो रही, संविधान सम्मत होनी चाहिए। लेकिन किसी भी आदमी को ये हक नहीं है, चाहे वो किसी भी आदमी की हत्या हो रही है, कि उसको 10 आदमी मिलकर मारे। संविधान उसकी के नियम से उसका न्याय होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक संविधान की का निर्णय आएगा, अगर मेरे सामने मेरी किसी पहचान वाले का या मेरी बिटिया का या मेरी बहन का कोई ये कर रहा है कि उसके साथ में दुष्चरित्र कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, तो उस समय फिर देखा जाएगा जो होगा, उस समय गुस्से में कुछ भी हो सकता है। ये धमकी देगा लगभग लगभग? नहीं, धमकी नहीं है। आप इंतजार नहीं कर सकते, आप इंतजार नहीं कर सकते तब तक पुलिस आएगी। आपके घर में चोर घुसा है, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह देखेंगे। आपके आपकी नजरों में आजादी के मायने क्या रहे? देखिए, मेरी नजरों में मायने हैं जो अभी के उसमें कहूंगा कि देश का एक वर्ग जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं था, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता था, अच्छे शिक्षक नहीं ले सकता था, अच्छे डॉक्टर नहीं ले सकता था, उसे बाहरी किसी भी व्यक्ति से जुड़ाव का मौका नहीं था पूरे देश से, वो मौका इस बार मिला है। ठीक है, आज की तारीख में देश का वो पार्ट जो हर तरीके से, हर प्रकार से उपेक्षित था, उसे देश के साथ जुड़ने का एक मौका मिला है। पूरे देश को एक समान भाव से देखने की संवैधानिक व्यवस्था हुई है और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आगे। प्रिंस लेनिन जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, क्लोजिंग कमेंट में मैं एक आगाह करना चाहूंगा इस देश के राजनेताओं को कि जिस तरह से जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं और उस पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक एंगल से अपने अपने तर्कों को रखा जाता है, कहीं सपोर्ट होता है, उससे थोड़ा सा इस देश को जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आगाह करने वाली बात यह है कि अभी तो आप गाय माता और धर्म और उसके जाति के आधार पर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने स्टैंड को ले रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ये चीजें इस आगे चलती रही और ये भ्रष्टाचार की तरफ और भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारी राजनेताओं तक पहुंचने लगी, तब आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर वो दिन आपके लिए स्वयं कहीं ना कहीं विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए इस देश की जनता को बिगड़ने मत दीजिए, कानून व्यवस्था कानून के पालकों के हाथ में रहने दीजिए, ऐसे अपराधियों का कहीं स्वागत और माला माल्यार्पण टीएमसी के नेता नीरज राय अपराधी है हिंदुस्तान में अब किस चीज से आजादी चाहता होनी चाहिए। देखिए राशिद भाई, पहले तो बता दूं आपको कि हमारा भारत वर्ष जो है गांवों का देश है और गांवों में किसान रहते हैं और आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अहम योगदान दिया तो वो किसान परिवार से ही लोग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारे किसानों को खुशहाल अगर किया जाता है, खुशहाल करने के लिए गांव में लघु कुटीर उद्योग की स्थापना हो, बहुत अच्छी बात, लघु कुटीर उद्योग की स्थापना हो, ऐसे पहले तो ये व्यवस्था, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। रही बात कि मॉब लिंचिंग ये तो वो हमारी जो अर्थव्यवस्था की जड़ है ना, रीढ़ है, किसान है, आज वो किसान चरमरा गया है। जब देश आजाद हुआ था सन 70 तक 70% से नीचे गिरते गिरते जीडीपी में योगदान रहेंगे, हर एक चीज से तो समस्याओं का समाधान निकलेगा। ठीक है, एके मिश्रा जी, डॉक्टर विक्रम सिंह, उमानंदन कौशिक जी, आपदाहरण जी, दिनेश जी, प्रिंस लेनिन जी, नीरज राय जी, बहुत शुक्रिया आपका राजधर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आजाद हिंदुस्तान जब आजादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जा चुका है, लेकिन बहुत सी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर कोई ऐतिहासिक कदम इस दिशा में बढ़ाया जाता है तो आपका चैनल ऐसे कदमों का स्वागत करता है। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।